गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1। ओके तो बेटा कल हमने 7.1 के दो सम स्टार्ट किए थे। क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सीखा था। क्यूब किस तरह से निकालते हैं आपको बताया गया था। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करिए उससे हम इजीली क्यूब निकाल सकते हैं। आप अगर लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो पूरी पूरी वीडियो भी सीरीज बनते आइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे के सारे वीडियो आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे, वहां आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। सारे के सारे चैप्टर डले हुए हैं, 7 चैप्टर आपका हो रहा है। तो आप देखिए, पहला आपका क्यूब क्यूब रूट आपके क्यूब रूट निकाल लिया। सेकंड सम में हमने क्या किया था बेटा यहाँ पे कि आपके पास क्यूब रूट बनाने के लिए दैट मीन उसका क्यूब रूट एग्जिस्टेंस करवाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके तो आज हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोला गया है आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ओके फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड ठीक है, इससे डिवाइड किया जाए टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब क्लियर है? यहाँ परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन करने के लिए हमें किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और अपना स्टार्ट करिए करना। ठीक है तो देखिए समझते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो देखिए बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। पहला आपका है फर्स्ट 81। देखिए बेटा 81 में सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो 81 किससे डिवाइड होगा, 819 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो अगर आप देखेंगे एक आपका जो नंबर है 3 ट्रिपलेट्स में, एक नंबर 3 आपका क्या है ट्रिपलेट में, अगला 3 आपका क्या है उसका ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हियर 81 इज डिवाइडेड बाय 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्या कह रहा है आपको, 81 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, किसलिए, परफेक्ट क्यूब गेट करने के लिए। 81 बाय 3 क्यूब रूट निकालते हैं बेटा, तो 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाय 3 इसका क्यूब रूट निकालते हैं हम लोग, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3³ × 1/3 आपका आंसर क्या आ गया, 3। आपका क्या आंसर आ गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बेटा यहाँ पर 3। समझ आएगी आप लोगों को बातें, क्लियर है? ठीक है इधर देखिए बेटा, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। आपका 128 है, सेकंड पार्ट आपका क्या है 128। तो 128 का हम क्या करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 6 12 2 4 8, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। क्लियर है? एक ट्रिपलेट आपका ये बना, एक ट्रिपलेट आपका ये बना, 2 आपका रिमेनिंग रह गया। यहां पे लिखिए हेयर 2128 इज डिवाइडेड बाय 2, 128 इज डिवाइडेड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इसलिए हमें परफेक्ट क्यूब को गेट करने के लिए, ठीक है, तो 128 बाय 2, 1/3 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 देयर आर 7 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7 डिवाइड बाय 2 1/3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ जाएगा 2 6 × 1/3 3 2 6, तो 2² आपका कितना आ गया, 2² आपका 4 आ गया, 2² कितना आ गया बेटा आपका 4 आ गया। दैट मीन्स किसका क्यूब रूट हो जाता है आपका, ये आपका 4 का क्यूब रूट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन करिए इतना बेटा पहले। नेक्स्ट देखिए थर्ड 135 है,
ठीक है, 135 आपको दिया पड़ा है, तो 135 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 से, 5735, ओके, 5 2 10 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9 313, जो कि ट्रिपलेट है, 5 आपका ट्रिपलेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हेयर 135 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, टू गेट परफेक्ट क्यूब गेट करने के लिए, तो 135 अपॉन 5 पावर 1/3 इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5 डिवाइड बाय 5 पावर आपका 1/3 कैंसिल आउट हो गया, 3³ 1/3 कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया आपका आंसर बेटा, यहाँ पे 3 आपका आंसर आ चुका है, क्लियर है। अब आपके पास 192 और 704 बचा है, आपका होमवर्क है, 192 704 आपका होमवर्क है, या आपने मुझे कमेंट्स में इसके आंसर डालने हैं कि भाई आपका किससे डिवाइड करना है, आपने लिखना है 192 इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर बस ओनली, और आप लोगों ने ग्रुप में आपके इसके सॉल्यूशन को डालना है कि आपने क्या क्या इसका सॉल्यूशन किया है, क्लियर है। इसको नोट डाउन करिए प्रॉपर तरीके से, करिए शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 to 5 cm, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, कह रहे उसे कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे कि उसे क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, ठीक है। तो आप देखिए फैक्टर ऑफ 5 2 बोथ, अगर आप देखेंगे 5 और 2 दोनों के फैक्टर आपके पास ग्रुप में नहीं है, तो हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूबॉइड यहाँ पे बनाने के लिए बेटा इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, आपके इसके पास देखिए जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है, क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, आपके पास 2 2 2 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दीज आर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, किसकी डायमेंशन आपके बेटा, क्यूबॉइड की, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब, तो देखिए हमें क्यूब बनाना है, क्या बनाना है बेटा, हमें क्यूब बनाना है, सो देयरफॉर एवरी नंबर इज इन फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, किस फॉर्म में होना चाहिए, हर कोई नंबर ट्रिपलेट की फॉर्म में होना चाहिए, तो आप देखिए इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय, देखिए आपके 2 है तो इसको मैं ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 × 2 से करूंगा, 5 है ट्रिपलेट 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 × 10 × 20, तो कितने क्यूबॉइड हमें और चाहिए, वी रिक्वायर 20 क्यूबॉइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, वी रिक्वायर 20 क्यूबॉइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ये इसलिए किया गया है कि आपके क्यूबॉइड था, इसे क्यूब बनाना था, आपके ट्रिपलेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 2 था, एक सिंगल 2 था, तो हमने 2 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया ट्रिपलेट में आ गया, 2 5 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया ट्रिपलेट में आ गया, तो आपके पास कितने, वी नीड 20 क्यूबॉइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, क्लियर है। चलिए नोट करिए बेटा इसे, अब 7.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्लियर, तो 7.2 में देखिए, 7.2 में देखिए बेटा, यहां पर फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 512 का फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए
सॉल्यूशन फर्स्ट 512, तो 512 का करेंगे हम लोग। तो 512 में देखिए 224, 2510, 2612, 212, 224, 28, 16, 2612, 24, 8, 36224, 21, 2612, 28, 16, 24, 8, 224, 212. देखिए क्यूब निकालना, एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीन, दे आर थ्री ट्रिपलेट्स। नाउ 512, 1 बाय 3 इक्वल टू, अगर आप देखिए बेटा ट्रिपलेट के फॉर्म में अंदर लिखेंगे तो 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपका पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट, तो आपको कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ 8, दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8 एंड क्यूब ऑफ 8 इज 512, क्लियर है। इसके बाद देखिए हम करते हैं बेटा इसका एक पार्ट और करते हैं, थर्ड पार्ट। आप इसे क्या पेयर बनाए, 10648 आपका क्वेश्चन है, 10648, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने हैं पाइथागोरस के, सॉरी पाइथागोरस कह रहे हैं, आपको ट्रिपलेट बनाने हैं, ठीक है। और ट्रिपलेट किस फॉर्म में होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सारे के सारे, सब्ट्रैक्शन से 2510, 236, 224, 248, 224, 2612, 2612, 224, 212, 236, 236, 212, 11 से आ जाएगा, 11 11, 11 टू 22, 11 11, 11 11, 11 1, क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रिपलेट इसका बन रहा है, एक ट्रिपलेट इसका बन रहा है, तो 10648 का अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 में आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 11 इक्वल टू 22। नाउ क्यूब रूट ऑफ 10648, 10648 का क्यूब रूट क्या आपका 22, 10648 का क्यूब रूट क्या आपका 22 है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, सारी चीजें देख लीजिए, 27000 है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑलरेडी आपको ट्रिपलेट का फॉर्म बाहर से दिख रहा है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको 10 × 10 × 10 ट्रिपलेट बन सकता है, इसको अलग कर लीजिए, 27 × हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, 27 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, 3927, 339, 313। तो देखिए आपके पास अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ बेटा, आपके पास यहाँ देखिए 27 × 1000 की जो क्यूब रूट बनेगा वो बनेगा आपका क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा 3 × 3 × 3, 27, 10 × 10 × 10। देखिए बेटा यहाँ पे अब एक कंसेप्ट है, सिंपल तरीका है, सिंपल इजी मेथड है करने का, मतलब एक सिंपल मेथड, 27000 में आपके 3 जीरोज का 1 जीरो आ जाएगा ट्रिपलेट फॉर्म में, तो ये आपके इससे ट्रिपलेट बन गए, तो 3 × 10 आपका क्यूब आ गया, इंटू 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 30। नाउ दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ 27000, 27000 का क्यूब रूट आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 30 आ रहा है, 27000 का क्यूब रूट आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 30 निकल के आ रहा है, क्लियर है। पहले इसको नोट करिए, आप नोट करिए शाबाश। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आई होप आपको सारा सारा समझ आ रहा होगा और चीजें क्लियर हो रही, आपको पढ़ने में काफी मजा आ रहा होगा इन चीजों को, ठीक है। बेसिक चीजें हैं आपकी, क्यूब रूट निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको जैसे ही आ जाएगा तो आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 6 है, 6 है आपके पास, क्या 6 क्या है बेटा, 13824, क्या है आपके पास, 13 13824, ठीक है,
तो 2 6 12 2 9 18 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 1 2 2 7 14 2 2 4 2 8 16 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखना बेटा बच्चा हमें सरल करते हैं 2 1 2 2 8 16 कर देते हैं यहाँ पे जीरो नहीं लगाते तो उसका ध्यान रखना आप लोग ठीक है 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3 क्लियर है तो सारी की सारी चीजें आपके आ चुकी है 1 3 8 को एक ट्रिपलेट ए बना दूसरा ट्रिपलेट ए बना तीसरा ट्रिपलेट ए बना डायरेक्ट ए बना तो आप लिख सकते हैं 1 3 8 2 4 का ट्रिपलेट जो बनेगा 1 3 8 2 4 का ट्रिपलेट बनेगा बेटा आपके पास एक वैल्यू 2 दूसरी वैल्यू अगेन 2 थर्ड वैल्यू अगेन 2 एंड नेक्स्ट 3 तो कितना 2 2 4 2 8 8 × 3 कितना आ गया बेटा 24 आ गया 8 × 3 कितना आ गया आपका 24 आ गया क्लियर है तो बाकी इसके रिमेनिंग सब आप बेटा खुद से ट्राई कर सकते हैं ठीक है इसके जितने भी आपके रिमेनिंग सम है आप खुद से ट्राई करेंगे और आप इसके सारे के सारे इसके सॉल्यूशन आपका जो इसका सॉल्यूशन है क्यूब रूट लिख के कमेंट्स में आपने इसके सबके सॉल्यूशन डालने हैं कमेंट्स में क्या करना है आप लोगों ने क्यूब रूट ऑफ लेट कर लेते हैं इसका 1 3 8 2 4 इक्वल टू 24 आपने इस तरह से कमेंट में सबके आंसर डालने हैं और इस चीज का ध्यान रखना बेटा अगर आप पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं वीडियो को इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो लॉस आपका है बिकॉज मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से होती है अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज्यादा आपको अच्छे से आएगा रट्टा नहीं मानना होता है यहाँ पे समझना होता है चीजों को मैथ्स हमेशा समझ के आती है ध्यान रखना क्रैमिंग वाली चीज इंसान जल्दी भूल जाता है ठीक है अगर आप चीजों को समझेंगे और समझने के बाद फ्यूचर में लाइफ टाइम आपके लिए हमेशा ये आपके पास रहेगी क्लियर है तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए समझने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिए एक बार दो बार जितनी बार आपका मन करता है और रिमेनिंग क्वेश्चन आपने कमेंट्स में डालना है और सॉल्यूशन इसका ग्रुप में डालना है क्लियर है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ट्रू फॉल्स है बेटा पहला बोला गया है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन पहला बोला गया है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन अब देखिए ऑड नंबर 1 का क्यूब क्या बनेगा 1 3 का क्यूब क्या बनेगा 27 5 का क्यूब क्या बनेगा 125 अगर आप देखें तो ये सारे के सारे कैसे हैं ऑड है तो किसी भी क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन ये आपका नहीं हो सकता कभी भी ध्यान रखना किसी भी ऑड नंबर का क्यूब आपका क्या नहीं हो सकता इवन नहीं हो सकता तो आपका क्या हो गया ये फॉल्स हो गया क्या हो गया बेटा आपका ये फॉल्स हो गया समझ आ गई आपको बातें सेकंड आपसे बोला है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 20 ठीक है अ परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विद टू जीरोस क्या कहना चाह रहा है समझिए ठीक है तो आपके पास कह रहा है कोई भी परफेक्ट क्यूब है एंड डज नॉट एंड विद टू जीरो दो जीरो से एंड नहीं होता है क्लियर है तो अगर मैं परफेक्ट क्यूब की बात करूं ध्यान से सुनना बेटा मेरे पास मैं परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा हूं तो मेरा परफेक्ट क्यूब कभी भी एंड नहीं होता दो जीरो से तो सिंपल सी बात देखिए अगर मेरे को 100 लिखा तो 100 का कभी भी क्यूब नहीं आएगा स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है तो जो भी आपका क्यूब होगा उसके पीछे हमेशा कितने जीरो जाएंगे 3 जीरो जाएंगे जिसका भी आप क्यूब रूट निकालते हैं अगर परफेक्ट क्यूब बनता है तो उसके पीछे हमेशा कितने जीरो जाएंगे 3 जीरो परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई है कि हमेशा कि क्यूब रूट जो भी होता है उसके पीछे कितने जीरो जाते हैं 3 जीरो जाते हैं यहाँ पे बोला डज नॉट एंड विद 2 जीरो से एंड नहीं होता बिल्कुल सही बात है ट्रू बोला गया है क्लियर है थर्ड देखिए आपको बोला गया है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25 ठीक है आपसे बोला गया है कि किसी नंबर का स्क्वायर तो सिंपल देखिए कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विद फाइव किसी नंबर का स्क्वायर किससे खत्म कर रहा है किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है एंड विद फाइव देन इट्स क्यूब एंड विद 25 देन इट्स क्यूब एंड विद 25
देन इट्स क्यूब एंड विद 25, क्लियर है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड कर रहा है तो उसका क्यूब किससे एंड करेगा, 25 से एंड करेगा, ऐसा कह रहा है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए 5 का क्यूब कितना होता है आपका 25, का स्क्वायर आपका 25 होता है, ये बात सही है। फिर 5 का क्यूब करते हैं तो 5 5 125, तो बेटा यहाँ पे 25 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, बात तो सही हो रही है इसके हिसाब से। 15 का स्क्वायर अगर हम देखें, 15 5 आ रहा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 होता है, कितना होता है 225 होता है। और 15 का जो क्यूब होता है, 15 का क्यूब अगर आप करना चाहें तो 3375 आता है, करके देख लेते हैं। 225 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 2 5 2 10 2 12 1 10 11 5 2 2 5 7 3 3 7 5, तो देखिए इसका एंड किससे हो रहा है, 75 से एंड कर रहा है। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25, क्यूब किससे एंड कर रहा है 25 से एंड करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ 75 से आ रहा है। तो आपका ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई बेटा, ये फॉल्स हो गई है, ठीक है। चीजों को समझते जाइए अच्छे से, चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी, क्लियर है। अगला आपको बोला गया है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका 8 से एंड होता हो, ठीक है। तो आपके पास देखिए, चलिए इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद थर्ड देखते हैं हम लोग बेटा, कह रहा है कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिए क्या बोला गया है, देयर इज नॉट एनी परफेक्ट क्यूब, देयर इज नॉट एनी परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, विच एंड विद 8, तो ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं जो 8 से एंड होता हो। तो सिंपल समझे, यहाँ पे आपका जो फोर्थ है, अगर 2 का क्यूब भी करेंगे आप तो क्या 8, तो 8 का परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 8 का क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड विद 8, तो 8 का आपके 2 आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप 12 क्यूब का 12 का क्यूब करते हैं तो आपका क्या आएगा 1 3 7 1 7 2 8 आता है, ये भी 8 से एंड कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, 8 से एंड होता है, ये 8 से एंड होता है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को। इसके बाद देखिए, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कह रहा है क्यूब डिजिट नंबर का क्यूब क्या हो सकता है, मे बी 3 डिजिट नंबर, ठीक है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, मे बी 3 डिजिट नंबर, चेक कर लेते हैं। सबसे 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट आपका 1000 आ गया, फिर आपका 11 का क्यूब कितना आ गया 1331 आ गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। समझ आ गई बात, ये भी क्या हो गया आप लोगों का फॉल्स हो गया, समझ आ गई बात, ठीक है। अगला आपसे बोला गया है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव